थैंक यू सो मच. और आज मैं भी जब यहाँ बैठी थी ना, तो मुझे महाकाल का ही सत्संग याद आ रहा था, और आंटी ने भी एकदम वहीं की बात करी, तो मैं भी आपको अपना महाकाल का सत्संग सुनाती हूँ. 2 years पहले गुरुजी मुझे महाकाल लेके गए. मुझे बहुत ज़्यादा वो विजुलाइजेशंस में, मेडिटेशन में आते थे. तो मेरी ट्यूसडे की फ्लाइट थी, तो मैं मंडे मंदिर गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मेरे साथ महाकाल चलो, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ. तो जब हमने वहाँ पे मैंने मत्था टेका, तो उन्होंने बहुत सारा, जब आप लंगर हॉल में जाते प्रसाद दे दिया, तो मेरे दोनों हाथ प्रसाद से भर गए. और जब जोड़े लेने गए, तो मेरे साथ सोनिया थी मेरी फ्रेंड, तो मैंने उसको टोकन दिया, मैंने कहा तुम ले लो, मेरे हाथ में प्रसाद है. तो जैसे ही वो नीचे देते हैं खिड़की के ऊपर, उसने टोकन दिया, मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी, तो नेक्स्ट काउंटर पे चली गई. मुझे एक अंकल ने आवाज़ लगाई, आप इधर आओ. मैं नीचे झुकी और वो गुरुजी की पुरानी संगति थी, और उन्होंने मुझे हाथ में कार्ड दिया. और जैसे मैंने कार्ड देखा, तो वो महाकाल का कार्ड था, क्योंकि बड़े मंदिर से आपको महाकाल का कार्ड नहीं मिलता, लेकिन मुझे मिला. और उसके पीछे गुरुजी के चरण स्वरूप भी थे. तो मेरी फ्रेंड भी बोली, कहती देख तूने अभी बड़े मंदिर के अंदर बोला है कि गुरुजी मेरे साथ चलना, देख. और मैं वापस गई अंकल के पास. आपको मैंने बोला, आपको मालूम है मैं कल यहीं जा रही हूँ. कहती मुझे नहीं पता, मुझे तो गुरुजी ने बोला इन्हू आवाज़ लगा के दे दे. तो मैं बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी. और जब वहाँ पहुँचे, तो आपको सबको पता है सुबह वहाँ भस्म आरती होती है, उसके बाद आपको अभिषेक करना होता है. तो जब हम अंदर गए, तो मैं ना देख रही थी लोग बहुत सारे फ्लावर्स लेके आए होते, बहुत सारी, कोई गुरुजी के लिए ड्राई फ्रूट लेके आया हुआ था, कोई चांद लेके आया हुआ था, कोई वो लेके आया हुआ था पगड़ी महाकाल के लिए. बट हमारे पंडित जी ने बोला था कुछ नहीं लेके जाना, ना कोई पैसे, ना मोबाइल, कुछ नहीं आपके हाथों में होना चाहिए. और मैं ना गुरु जी को बोली जाऊँ, गुरु जी सॉरी, मैं तो आपसे ऐसे खाली हाथी मिलने आ गई हूँ, खाली हाथी आ गई हूँ. बड़ा लग रहा था कि हमारे पंडित जी ने क्यों मना किया. जब हम नीचे उतर रहे थे, तो हम 16 लोग गए थे उस दिन, तो 5-5 के बीच में वो लेके जाते हैं अंदर ना, 5-5 लोग जाते हैं. तो मैं जब अंदर जाने लगी, तो उन्होंने मुझे रोक दिया और मुझे बोला कि आप बाद में जाएंगे. तो मैंने कहा कोई बात नहीं. तो मैं ना उनको बोलने लगी थी कि हाँ बाद में जो जाते हैं ना, उनको बहुत सारी ना, बस मेरे अंदर था इतनी देर में वो जो पंडित जी खड़े थे, कहते हाँ ये जो बाद में जाते हैं ना, उनको ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं. तो मैं इतनी शॉक्ड हुई कि ये वर्ड तो वो नहीं बोल सकते, ये तो हमारे गुरु जी बोलते हैं वहाँ पर. बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि कोई बात नहीं, लेट बारी आएगी तो जाऊँगी तो सही ना, अभी यहाँ तक आई हूँ. जैसे आंटी ने बोला ना, नंदी जी के सामने वो शिवलिंग है, बाकी नंदी जी के सामने से एक अंकल आए, उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, बहुत टॉल से थे, और वहाँ पे सब धोती पहनते हैं और लेडीज साड़ी पहनती हैं. उन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट, व्हाइट उनके हेयर टॉल ब्रॉड, और उनके स्पेक्स लगी हुई थी. तो उन्होंने मेरे हाथों में इतना बड़ा 3-4 kg उसमें वो होगा मोगरा, और मेरे हाथों में लिफाफा पकड़ाया और कहते ये तुम महाकाल को चढ़ा देना. मुझे तो ऐसे लगा जैसे गुरु जी आए हैं और कह रहे हैं कि, और देखो वहाँ ना मोगरा भी बहुत कम चढ़ता है, वहाँ पे लोटस चढ़ता है या गेंदा चढ़ता है, वहाँ मतलब गेंदा, ये मोगरा नहीं चढ़ता, मोगरा हमारे गुरुजी के वहाँ बहुत ज़्यादा चढ़ता है. तो मैं इतनी खुश हूँ, मेरी इतने गूज़बम्स, और फिर सब बोलने लगे हमें भी दे दे, हमें भी दे दे. तो मैंने सबको दिया. लास्ट में ना एक लड़का खड़ा था, उसके हाथ में एक लोटा था, वो 5 ज्योतिर्लिंग का जल लेके आया था कि वहाँ पे चढ़ाने के लिए महाकाल को. तो उसने बोला कि दीदी आप मुझे भी दे दो. तो उसको तो मैंने बोला तू लोटे में भी डलवा ले और ले भी ले, क्योंकि तू तो इतनी दूर से कहाँ कहाँ से होके आया. और जब हम अंदर गए, तो पंडित जी ने मुझे बोला दिल्ली से आए हो. मैंने कहा हाँ जी. कहते आप इधर आ जाओ, जैसे लास्ट में, और कहा महाकाल को ना ये चढ़ा, जल अभिषेक करो. वो जैसे जैसे मुझे बोलते गए, मैं करती गई करती गई. और मैंने देखा कि लोग 2-2, 3-3 चढ़ा के बाहर जा रहे हैं, और मुझे तो वो रोक ही नहीं रहे, पर मुझे शर्म आ गई कि मैंने इतने सारे चढ़ा लिए और फिर भी वो मुझे कुछ नहीं बोल रहे. फिर मुझे उन्होंने बोला कि आप रज गए हो. मैंने कहा ये पंजाबी में कैसे बोल रहे हैं कि आप रज गए हो. तो मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि मुझे लगा बाहर भी कितने लोग वेट कर रहे होते हैं सब. तो इतनी देर में उन्होंने इतनी बड़ी फूलों की माला दी लोटस के, और बोला ये महाकाल पे चढ़ा दो. फिर मैंने वो चढ़ाई. फिर उन्होंने मुझे बोला चलो अब महाकाल को तुम टच कर लो.
मैं फिर अंदर वो जैसे भेजते हैं, फिर उसके मैंने दोनों हाथों से जब पकड़ा तो मेरे हाथ ऐसे ही उस पर चिपक गए ऐसे, और मेरे शेवर करने लगे, और मुझे उनको पता लग गया कि इसको कुछ हो गया, तो उन्होंने मुझे ऐसे चिट्टा डाला और मुझे जल दिया और बोला पी लो इसको। कहते लेकिन ये महाकाल वाला मत पीना, क्योंकि वहाँ पे सुबह भस्म आरती होती है और वो किसी की बॉडी की राख चढ़ती है और गर्ल्स को मना किया जाता है कि मत पियो उस प्रसाद को। तो मैं उसके बाद मुझे फिर पंडित जी ने बोला अब आप इधर आओ, मतलब मैं 15 से 20 मिनट्स अंदर रही थी और मेरी सारी फ्रेंड्स 5 मिनट्स के बाद बाहर थी। और फिर उन्होंने इतना सारा मुझे वो टिक्का विक्का लगाया, मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है हेड पे ना कुछ भी लगाना, कुछ उन्होंने लगा दिया। और जब मैं बाहर गई वॉशरूम के लिए तो एक वहाँ पे स्टाफ मेंबर थी, उसने बोला कि क्या तुम महाकाल के साथ होली खेल के आई हो? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मोबाइल ना आपके पास कोई मिरर है वहाँ पे। कहती अब महाकाल ना आपको बहुत जल्दी जल्दी बुलाया करेंगे। तो मैंने इतना थैंक यू किया, क्योंकि जब आप परमात्मा को अपने साथ लेके जाते हो ना बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं बहुत सारी। और जैसे आंटी ने भी बोला हम क्या उनको प्यार करेंगे, वो हमें इतना प्यार करते हैं। जब मैं भी यहाँ आई ना तो मैंने कहा गुरु जी आपने भी रिंकल्स वाली शर्ट पहनी, मैंने भी रिंकल्स वाला पहना हुआ। कहते आज से तेरी जिंदगी के सारे रिंकल्स रिमूव करता हूँ मैं। तो मैं गुरु जी से प्रे करूँगी गुरु जी सबके रिंकल्स रिमूव करना, फेसेस के तो बहुत ज़्यादा और यंग यंग लगे, गुरु जी हमेशा यंग लगते हैं, हम भी यंग यंग रहे। और लिटरली मुझे आज ऐसे ही बोला उन्होंने कि आज तेरी जिंदगी के सारे रिंकल्स, मैंने कहा गुरु जी फेस से भी क्लीन कर देना सारे, हम ऐसे यंग यंग रहे। और थैंक यू सो मच, लव यू गुरु जी, और सारी संगत को बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार। बस हम गुरु जी से यही मांगे गुरु जी हम सबको अनकंडीशनल लव करें और सबको जितनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, और हमेशा दूसरों के लिए दुआएं करें, क्योंकि कहते हैं ना जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो हमें भी दुआ अपने लिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए भी कोई दुआ कर रहा होता है। तो बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू लव यू लव यू गुरु जी, जय गुरु जी।